हेलो, दिस इज एनकेमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग एनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं वाइल के साथ में वर्ब फोर का प्रयोग करना है, हैविंग के साथ में वी थ्री का प्रयोग करना है और बाय के साथ वी फोर का यूज़ करना है। और ये सीखना इसीलिए है कि इन सभी का सेंटेंस एक तरह का होता है। सेंटेंस देखेंगे तो आप डाउट में पड़ जाएंगे कि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पर वाइल प्लस वी फोर का यूज़ करें, हैविंग वी थ्री का प्रयोग करें या फिर बाय के साथ में वर्ब फोर का प्रयोग करें। सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा होगा, जो इसमें समझना है वह है सिचुएशन, क्योंकि सेंटेंस भले ही एक जैसा हो लेकिन सब में सिचुएशन अलग अलग होगा। इसी बात को ठीक से समझना है, क्योंकि कई बार तो इन दोनों का प्रयोग बताए हैं लेकिन तीनों को एक साथ करके नहीं बतलाए हैं, और इसमें अंतर समझना जरूरी है ताकि आप बोलने में हो या लिखने में हो आप सही से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वाइल के साथ में वर्ब फोर का यूज कर लेते हैं। इसमें दो तरह का सिचुएशन है, सिचुएशन को समझिए। सबसे पहली बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट एक बार में दो काम को कर रहा होता है। जैसे आप देखेंगे, कुर्सी पर बैठे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, मतलब मैं दो काम एक साथ किया कि एक तो कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरा उपन्यास पढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब दो काम यहाँ पर होता है, मैं समाचार सुनता हूँ लेकिन समाचार सुना और उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद, यानी कि यहाँ पर बीच में अंतराल बहुत ही कम होता है, इसको समझना होगा। तो मैं समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा है कि तुम्हारा गाना सुनकर, तुम्हारा गाना सुना और मुझे नींद आ गई। इसका मतलब ये है कि गाना सुनते हुए या गाना सुनना ख़त्म जैसे हुआ उसके बाद मुझे नींद आ गई, दोनों में अंतराल बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, तो इसी चीज़ को समझना है। तो इस कंडीशन में आपको वाइल के साथ में वर्ब फोर का प्रयोग करना पड़ेगा और सेंटेंस इसी तरह का होगा लेकिन इन सभी के साथ में अलग अलग सिचुएशन होगा, उसे देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है, कुर्सी पर बैठे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, तो वाइल प्लस वी फोर का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे वाइल, और कुर्सी पर बैठे हुए तो वाइल सीटिंग, और ऑन द चेयर या फिर इन द चेयर भी कर सकते हैं, ऑन द चेयर। अब क्या है कि ऑन द चेयर और इन द चेयर में क्या अंतर है, जिसमें हैंडी लगा हुआ हो, आप घिरे हुए हैं उसमें बैठे हुए हैं तो उस कंडीशन में आप इन द चेयर कर सकते हैं, और हैंडी अगर नहीं है तो आप ऑन द चेयर करेंगे। तो लेकिन स्पोकन में आप ऑन द चेयर बोलते रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो वाइल सिटिंग ऑन द चेयर मैं उपन्यास पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। मतलब है कि मैं, यानी सब्जेक्ट जो है एक बार में दो काम को कर रहा था, तो उस कंडीशन में आप वाइल के साथ में वर्ब फोर और उससे से यूज करेंगे। उसके बाद है, सड़क पर चलते हुए वह गाना गा रहा था, तो सड़क पर चलते हुए यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है दो काम को एक साथ कर रहा है, तो सड़क पर चलते हुए हम लिखेंगे वाइल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए वह गाना गा रहा था, तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सड़क पर चलते हुए वह गाना गा रहा था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट देखेंगे दो काम को एक साथ कर ही रहा है। लेकिन हम अगर दूसरे सेंटेंस को देखेंगे कि समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। समाचार सुनकर का मतलब यह हो कि समाचार सुना और जस्ट मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से, तो एक काम जो है बिल्कुल क्या तो समाप्त हो रहा होता है या फिर चल रहा होता है, इससे अंतर ये अस्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट नहीं होता कि पहला एक्शन खत्म हो गया या फिर जारी है। तो उस कंडीशन में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वाइल का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो समाचार सुनकर, तो हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, तो आई आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई।
अब यहाँ पर वाइल का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन समाचार सुनकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई काम खत्म भी हो गया है, ऐसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में वाइल का प्रयोग नहीं करें। तुम्हारा गाना सुनकर मुझे नींद आ गई, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा गाना सुन लिया और उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दोनों काम जारी था, गाना सुनने का काम भी जारी था, फिर गाना सुना ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में फिर आप इसी तरीके से बनाएंगे डब्ल्यू, यहाँ पर वाइल प्लस वी फोर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक काम ख़त्म होने की बात भी झलक रही कि ख़त्म भी हो गया ऐसा लग रहा है। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट लिखे तुम्हारा गाना सुनकर, तो क्या करेंगे, लिसनिंग टू योर सॉन्ग, तुम्हारा गाना सुनकर या तुम्हारा गाना सुनते हुए, दोनों इससे स्पष्ट हो रहा है, मुझे नींद आ गई, तो आई फेल्ट स्लीपी। तो दोनों में अंतर आप समझ गए हैं कि इसमें दोनों काम तो जारी है, क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन इसमें एक काम खत्म होने जैसा लग रहा है और दूसरा काम उसके बाद हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं हैविंग प्लस वी थ्री में क्या अंतर है। और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, काम समाप्त कर वह घर चला गया। तो यहाँ पर एक स्पष्ट है, क्लियर है कि एक काम बिल्कुल समाप्त हो गया है और तब दूसरा काम को शुरू किया गया है। एक काम मतलब पहला एक्शन जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा काम को शुरू करता है या फिर पूरा करता है। तो इस कंडीशन में आप हैविंग प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार, तो काम समाप्त कर, तो यहाँ पर लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि अपना काम समाप्त करके या फिर काम समाप्त करके वह घर चला गया, तो ही वेंट होम। नेक्स्ट है घर पहुंचकर उसने स्नान किया। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि वह घर पर पहुंचा और उसके बाद फिर स्नान किया, तो पहला काम जो है फर्स्ट एक्शन जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा काम को वो प्रारंभ किया या फिर उसे पूरा भी किया। तो घर पहुंचकर, तो इसके लिए क्या करेंगे, हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर उसने स्नान किया, ही हैड अ बाथ, उसने स्नान किया, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पिटाई खाने पर वह शांत हो गया, मतलब यहाँ पर ये है कि ये पैसिव है। यहाँ पर हैविंग प्लस वी थ्री जो कर रहे हैं उसमें हम पैसिव इसका यूज करेंगे, तो पैसिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पिटाई खाने पर वह शांत हो गया। तो हैविंग बीन बीटन, पिटाई खाने पर वह शांत हो गया का मतलब क्या है, अब सीधा हो गया, पिटाई खाया है तब से बिल्कुल सीधा हो गया, तो हम लिखेंगे वह शांत हो गया, ही बीकेम जेंटिल, कि बिल्कुल भोला हो गया, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम जेंटिल का प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद है नाश्ता करके वह स्कूल चला गया, किसी बच्चा के बारे में बोला जा रहा है कि उसने नाश्ता कर लिया और फिर स्कूल चला गया, तो नाश्ता कर लिया, एक काम खत्म, कैसे, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट वह स्कूल चला गया, तो ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट जो है एक काम को बिल्कुल ख़त्म कर लेता है और उसके बाद दूसरा काम को प्रारंभ करता है या फिर उसे पूरा करता है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, चाय बेचकर वह घर चलाता था, तो यहाँ पर भी क्या लगता है कि पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अंतर है, उस वो अंतर ये है कि इस तरह के सेंटेंस से माध्यम का बोध होता है, जरिया का बोध होता है, इससे ये बोध नहीं होता कि एक काम ख़त्म करके दूसरा काम कर रहा है या कर रहा था, इससे जरिया या फिर माध्यम का बोध होता है। मान लीजिए चाय बेचकर वह घर चलाता था, तो घर चलाने का जरिया क्या था, माध्यम क्या था, तो चाय बेचना। तो इस कंडीशन में बाई का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, तो चाय बेचकर वह घर चलाता था, तो हम लिखेंगे बाई बाई सेलिंग टी
मतलब चाय बेचकर वह घर चलाया चलाता था या फिर घर चलाया करता था। तो फिर हम क्या करेंगे, ही यूज्ड टू कीप हिज हाउस, कीप हिज हाउस मतलब ये हुआ कि वह चाय बेचकर अपने घर को चलाता था, खर्चा निकालता था। तो इस तरह से हम लिखेंगे किसी काम को करके, यानी जरिया या फिर माध्यम मीन्स साधन का बोध होता है इससे। गाना गाकर वह पैसा कमाता था, और यहाँ पर पैसा कमाता था कैसे कमाता था, गाना गाकर। तो गाना गाना भी एक जरिया है, ये गाना गाकर पैसा कमाता था। तो फिर हम लिखेंगे बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाकर वह पैसा कमाता था। तो ही क्या करेंगे, कमाया करता था फिर कमाता था, तो यूज टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यूज टू अर्न मनी, बाय सिंगिंग सॉन्ग से यूज टू अर्न मनी, गाना गाकर वो पैसा कमाया करता था। गाना गाना उसको उसका जो ये पैसा कमाने का जरिया था, पैसा कमाने का माध्यम था गाना गाना। उसके बाद है नेताओं का चापलूसी करके उसे नौकरी पाया। तो उसे नौकरी कैसे पाया, तो नेताओं का चापलूसी करके नौकरी पाना किस माध्यम से हुआ, तो चापलूसी करके। तो हम लिखेंगे बाय फ्लैटरिंग, बाय फ्लैटरिंग लीडर्स नेताओं का चापलूसी करके उसने नौकरी पाया। ही गॉट अ जॉब मतलब चापलूसी करके नौकरी पाया। नेक्स्ट है स्कूल में पढ़ाकर उसने अनुभव प्राप्त किया, स्कूल में पढ़ा करके अनुभव प्राप्त किया। तो अनुभव कैसे प्राप्त किया, स्कूल में पढ़ा करके, तो स्कूल में पढ़ाना यहाँ एक माध्यम है, अनुभव पाने का एक माध्यम है। तो फिर क्या करेंगे, तो बाय टीचिंग इन ए स्कूल स्कूल में पढ़ाकर उसने अनुभव प्राप्त किया। तो ही गेन्ड एक्सपीरियंस, स्कूल में पढ़ाकर उसने अनुभव प्राप्त किया। तो उम्मीद है कि आज आपका ये तीनों जो प्रयोग है आप समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। तो अब बारी है आपसे सवाल करने के। तो आज का सवाल है, वह झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाता है, वह झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी मूर्ख बनाने का जरिया क्या है, तो झूठ बोलना। झूठ बोलना एक माध्यम है जिसके जरिए वह लोगों को मूर्ख बनाता है। तो बाय का प्रयोग करेंगे, और मूर्ख बनाना का क्या होगा, मेक समबडी फूल। तो फिर कैसे यूज करेंगे आप पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।